नमस्ते, ये मीडिया चौकी है। मेरा नाम शिवम झा है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, फराज फातमी साहब, जदयू के कैंडिडेट है दरभंगा ग्रामीण से। क्या लग रहा है सर आपको? परिवर्तन की लहर है पूरे ग्रामीण में, और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग का प्यार, स्नेह और समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो 10 विधानसभा है दरभंगा में, मुझे लगता है कि नंबर 1 पर ग्रामीण विधानसभा रहेगी। इस सर क्या वजह रही कि आप केवटी छोड़ के दरभंगा ग्रामीण आए? देखिए, पार्टी डिसाइड करती है जी। पार्टी ने डिसाइड किया कि भाई मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी ने मुझे यहाँ सही समझा कि यहाँ पे एक परिवर्तन की ज़रूरत है। तो मुझे पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ से लड़िए, तो चुनाव यहाँ से लड़ रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा उसी को मानना है। 5 काम ऐसे बताइए जो आपने केवटी के लिए किया। वहाँ पे सिर्फ मेरा एजेंडा 5 साल विकास ही का एजेंडा था जी। रोड हो, मेन बिजली जी, कोई भी गांव, कोई टोला बचा ही नहीं जहाँ बिजली का काम नहीं करवाया मैंने जी। एडिशनल ट्रांसफार्मर्स, न्यू वायरिंग, रोड्स, आरईओ के रोड्स हों, पीडब्ल्यूडी के रोड्स हों, प्लेग्राउंड जी, जो प्लेग्राउंड बनवाया पिंडारूच में, स्टेडियम भी बना उसके साथ, स्कूल जो एडिशनल बिल्डिंग्स के लिए, स्कूल्स, हॉस्टल्स, एडिशनल PSCs, तो जो जनहित का काम है, जो लोगों के हित का काम है, डेवलपमेंट क्या है, सड़क, बिजली, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य जी, इन सभी में मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश किया, और उसका नतीजा है कि 5 साल में बहुत काम केवटी के अंदर देखने को मिला। 5 काम ऐसे बताइए जो आप दरभंगा ग्रामीण में करने जा रहे हैं अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो। यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है, यहाँ तो सिर्फ मुझे लगता है कोई विभाग नहीं छोड़ा है जिसको लूटा नहीं गया हो जी। मुझे लगता है इसकी तो शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। यहाँ पे रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क, स्वास्थ्य की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है। कई स्वास्थ्य केंद्र में तो डॉक्टर्स और स्टाफ भी मौजूद नहीं है, जैसा कि मैं घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर जो जो समस्याएँ लोगों की सुन रहा हूँ, उसको अगर जनता यहाँ मौका देगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको आगे ले जाने का काम करूँगा और यहाँ खिदमत करूँगा। बेरोजगारी और पलायन दो ऐसे समस्या है जो हमेशा से इस क्षेत्र में हावी रहे हैं। आपको क्या बेरोजगारी और पलायन हाँ। दो ऐसी मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र में हमेशा से हावी रहे हैं। 15 सालों से नीतीश सरकार है, क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार ने वो काम किया जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना था? देखिए, ये जो शिक्षा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं कीजिएगा, कोई बेरोज़गारी नहीं मिट सकती जी। यहाँ पे अब आप समझ लीजिए, इस 15 साल के अंदर हर जगह कई मेडिकल कॉलेज खोले गए जी, कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, ITI खोला जा रहा है, स्कूल्स खोले जा रहे हैं। पहले तो पंचायत में स्कूल नहीं हुआ करता जी, तो अब बच्चों को स्कूल की तरफ रुझान दिया गया, बच्चे उधर जा रहे हैं। तो पहले तो गांव के बच्चे तो पढ़ने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे एक बदलाव है, और ये बदलाव की चीज़ है, तो इतना जल्दी एक दिन में ये चीज़ नहीं होता है। निश्चित तौर पे ये एक चेंज है, और नीतीश कुमार जी और NDA की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है जो काम कर रही है। विकास ही इनका एजेंडा है, सामाजिक न्याय के साथ विकास। केंद्र सरकार और बिहार की सरकार दोनों में अगर समन्वय होगा तो निश्चित तौर पे जो केंद्र का जो भी योजनाएं आएंगी वो उसको स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और मैं नीतीश कुमार जी को सही में एक सबसे बड़ा लीडर मानता हूं, और केंद्र में भी सरकार है, निश्चित तौर पर जो दोनों का समन्वय होगा तो निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा, विकास के में गति में आगे बढ़ेगा। और एक पढ़े लिखे इंसान को ही बिहार की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ना कि नौवीं फेल को।